पाकिस्तान ने दूसरे दिन जीता दूसरा टेस्ट मैच, श्रीलंका को 8 विकेट से दी पटकनी। तो क्या पूरी खबर की जानकारी बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप पाकिस्तान टीम के सच्चे वाले फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच के दूसरे ही दिन पाकिस्तान की टीम ने जीत की हुंकार भर दी। दोस्तों पाकिस्तान की टीम अपने गेंदबाजों के दम पर श्रीलंका टीम को बैकफुट पर लाकर श्रीलंकाई टीम की अकड़ तोड़ दी। दरअसल गोल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तान टीम के नाम रहा। हालांकि मैच का टॉस श्रीलंका के कप्तान ने जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। दोस्तों श्रीलंका की ओर से ओपनिंग में पारी की शुरुआत मधुसका और कप्तान करुरत्ना ने की। वहीं तीसरा ओवर करने आए शाहीन अफरीदी ने श्रीलंका टीम को पहला झटका दे दिया। दोस्तों निशान मधुसका 6 रन बनाकर शाहीन अफरीदी की गेंद पर विकेटकीपर सरफराज को कैच दे बैठे। वहीं 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कुशल मेंडिस, जिन्होंने क्रीज पर ठीक से अपना पांव भी नहीं जमाया था कि शाहीन अफरीदी ने सलमान के हाथों कैच करवा दिया। वहीं मेंडिस के आउट होने के बाद 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए एंजलो मैथ्यूज, जिन्होंने कप्तान करुणारत्ने के साथ मिलकर 40 रनों की साझेदारी करी। वहीं श्रीलंका के कप्तान अपनी पारी को ज़्यादा देर तक नहीं खींच पाए और 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दिनेश चंडीमल भी सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। दोस्तों चंडीमल का विकेट नसीम शाह को मिला। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए धनंजय डी सिल्वा ने मैथ्यूज के साथ मिलकर शानदार शतक की साझेदारी करी। दोस्तों श्रीलंका टीम के लिए अब सब अच्छा चल रहा था, तभी गेंदबाजी करने आए अबरार अहमद ने ये शतक पार्टनरशिप तोड़कर मैथ्यूज को 64 रन के निजी स्कोर पर बाबर आजम के हाथों कैच आउट करवा दिया। वहीं दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका टीम का स्कोर 242 रन 6 विकेट के नुकसान पर था। वहीं दूसरे दिन 242 रन से आगे खेलते हुए श्रीलंका की टीम 312 रनों पर ढेर हो गई। वहीं पाकिस्तान की टीम ने दूसरे दिन 2 विकेट गंवाकर 342 रन बना दिए। दोस्तों दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान टीम ने 32 रनों की बढ़त बना ली है। ऐसे में पाकिस्तान टीम दूसरे टेस्ट मैच में लगभग जीत चुकी है। तो दोस्तों क्रिकेट के ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।